आपकी सुरक्षा में लगे हो तुम और पीके जा रहे हो भाई। आप लोग कभी कभी ना रैंडम आपने चेक भी किया करो, ठीक है? तो ऐसे ही हाल होगा। अरे सर आज क्या क्या कार्रवाई किया गया? आज ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली पुलिस डेप्टेड ऑफिसर्स के सामने हमने सिग्नल चौक पर चेकिंग किया, जिसमें 30 से ज़्यादा गाड़ी जो है वो ड्रंकन ड्राइविंग में पाया गया। और बड़ी खेद की बात है कि उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी थे, कुछ मीडियाकर्मी भी थे और सामान्य नागरिक भी थे। कुछ में गाड़ियों में 8 से 10 आदमी तक बैठे हुए थे और उसमें ड्राइवर पी के चला रहा था, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उसके बाद पूरे शहर की पेट्रोलिंग की गई, जिसमें लालपुर रोड में एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में बेसमेंट में 30 से ज्यादा पीजी कॉलेज के बच्चे जो हैं रात के 12:30 बजे जो है स्नूकर खेल रहे थे, जहां पे धूम्रपान कर रहे थे, शराब सेवन कर रहे थे। और वह जो कंस्ट्रक्शन था वो इलीगल था, जैसा दिल्ली में घटना हुई थी आपको ज्ञात होगा, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसमेंट में पानी जाने के कारण बच्चों की जान चली गई थी। बिल्कुल वही वाली स्थिति थी, छोटा सा एक विंडो था जिससे कि ऑक्सीजन की भी अंदर कमी थी और कभी भी बारिश होने पे अंदर बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। उस स्नूकर को कल सील कराया जाएगा, नगर पालिका से जाकर मिलके उनको मालिक पे भी कार्रवाई की जाएगी और जिसने स्नूकर स्टार्ट किया उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में देर रात अंधेरी वाली गली में इस तरह से बच्चों को बुलाकर उनको देर रात तक रखना किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने के लिए एक नेवता की तरह है। आज पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, लगातार डेली अब रात में पेट्रोलिंग ड्रंकन ड्राइविंग की चेकिंग की जाएगी और जो भी कानून तोड़ेगा वो कितना भी ताकतवर हो उसके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।